Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं वहां बैठे मौज कर दी फनी मीम्स, द बॉयज मीम्स फ्रॉम द चैनल डी आर के वाइन्स. देख बीबी की वाइन्स आ रहे हैं, डी आर के वाइन्स, और इनके चैनल पे हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं. तो देखेंगे कैसा क्या होता है. मतलब वीडियो देखने से तो बहुत ज्यादा लंबा तो है नहीं, लेकिन मतलब एंटरटेनिंग को, मतलब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर ऐसा बोलते हैं हम. सो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे. तो मजेदार तो होनी चाहिए, फुल एंटरटेनिंग. क्वालिटी क्वांटिटी कैसी है? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि न्यू चैनल पे आए हैं. तो कुछ मतलब देखेंगे अभी क्या है. सो लेट्स सी हाउ देयर मीम्स फ्रॉम द चैनल डी आर के वाइन्स इज गोइंग टू बी. चलिए देखते हैं. ओ भाईजान, इस पे हाथ मत रखिए, दब जाएंगे. इसमें दबाने जैसा क्या है? अरे यार पैड से कुछ. Yep, that's me. Here you go. This is really pink. You know what else is pink? What? Huh? तू समझ जा. मेरे को समझना नहीं है. ओके. मेरा दिल है हिंदुस्तानी, मैं आज भी रूपा की चड्डी पहनता. पर रूपा क्या पहन? रूपा क्या पहन? यार जी, तुम लोग जो भी इस बोर्ड पे बनाओगे वो तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है? ये क्या बनाया? चश्मा. A few minutes later. ये क्या बनाया है? पढ़ने वाला टेबल. पढ़ने वाला टेबल चाहिए. ये क्या बनाया? लेकिन एक सेकंड. मैं कुछ नहीं. यार तो तुमको समझ में नहीं है. तेरे जाने का फायदा क्या हुआ? मैं तो इनका बॉडीगार्ड बन के गया था. मेरे हाथ में थोड़ी सी कैंची में. बॉडीगार्ड? और नहीं तो क्या? अगर अपनी बात करूँ, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन शादी की पहली रात जो बातें होती ना, वो बातें मैं कहीं ना भूल जाऊँ. तो श्रीमान मर्द साहब, भगवान ने एक हथेली पर पांच उंगलियां दी है, लेकिन आपने सिर्फ दो उंगलियों का इस्तेमाल किया. वो बाकी की तीन उंगलियां है ना, वो काट के फेंक दो, क्योंकि दो उंगलियों का इस्तेमाल तो हम लड़कियां भी करना जानती है. ओके. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. लेकिन बहादुर इंसान वो है जो अपनी पांचों उंगलियों का इस्तेमाल बराबर करना जानता हो. A few minutes later. दो उंगलियों का तो ट्रेलर था मेम साहब, मर्द अपनी पांचों उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करता है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ. इलियाना का कहना है कि ये प्रोफेशनल बाथरूम सिंगर है, प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर तो हमने सुना है. कभी हमें भी लाइव शो पे बुलाओ. समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मजा आएगा. टीवी पे बेइज्जतियां हो रही हैं. अब मैंने सबसे दोस्तियां कर लिया है, इसके बियॉन्ड अब मैं डिवाइड और रूल गेम होते हुए नहीं देख सकती. तेरे को कौन बोल रहा है ये सारी चीजें? तेरे को पता नहीं है क्या हो रहा है? तेरे को वैसे भी दो हफ्ते बाद समझ आता है. ये फिर से जोकर बन गया यार. सबके सामने जोकर बन गया. सारी उम्र जोकर जब बड़े आ रहे हैं तेरे पीछे. ओनली कैटरीना कैन डू दिस यार. चोक नहीं, रोग है. आई रियली विश यू डाइड दैट डे. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. ओके. कुछ भी हो जाए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. स्कूल नहीं जाओगे तो चलेगा कैसे? इतना बड़ा स्कूल मेरे बिना नहीं चल सकता. बात तो सही है. शाबाश बेटा. क्या हो रहा है? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अरे सठिया नहीं गया. शेखर की माँ तुम भी एक बार घोड़ी बनकर देखो, बड़ा मजा आएगा. तू समझा? वो तब बोले नहीं, तू समझा नहीं. देखो कैसी बात है, वो कहते ना पहले किस करो. पहले किस करो फिर पलंग पे लेटा. हाँ? और देखो बच्चे ने सूसू तो नहीं किया वा?
नको यार, तू इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है आजकल? गर्लफ्रेंड नहीं है ना मेरे पास? हाँ तो वो तो होती पाना हो कुछ आज का व्लॉग मैं नहीं बनाने वाला, आज बनाने वाला है चाचा जी। मैंने चाचा जी को चैलेंज दिया है कि पूरा व्लॉग बनाएंगे चाचा जी। हाँ ये एंगल सही है, ऐसे आपको बोलना है, जो बोलना है करो। व्लॉग व्लॉग स्टार्ट करो पहले। चलो मैं अभी खाना खा लेता हूँ, छोले चावल हरी सब्जी। हाँ तो गया बिना खा लिया, अब हो गया उसके निकालने का टाइम हो गया। मोमेंट है भाई, मोमेंट है यार, बहुत सही यार। मोदी जी के जिसने बनाया है बहुत सही, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सच में यार, अगर देखोगे ना, ये जिसने भी वो मेलोडी, वो एक्चुअली हैशटैग मेलन में यूज किया है उनके इंस्टाग्राम के हैशटैग में, अगर आपने देखा नहीं हो तो वो तब। और मतलब वो उन्होंने अभी हाल ही में एक पोस्ट किया है उनके इंस्टाग्राम पे, और कमेंट सेक्शन, मैंने वो पोस्ट देखते कमेंट सेक्शन, क्योंकि इतने लाइक्स थे तो सारे इंडियन के ऑडियंस होंगे, मुझे पता था ये बात। तो मैंने पोस्ट खोल के देखा, भाई यार वो बोल रहे थे कि हाँ भाई रिश्ता पक्का हो गया, ये वो हम मोदी जी को ला रहे हैं आपके पास एट ऑल एंड। इंडियन ऑडियंस और के कमेंट सेक्शन मेरे को बहुत पसंद आते हैं यार, आई लव इट। मतलब इतने मजेदार, मतलब मीम या कंटेंट से ज्यादा ना कमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा मजेदार होता है। आई लव, जस्ट लव इट। अरे मीम्स एक्चुअल में बहुत बढ़िया अच्छे थे यार, डीआर के वाइंस आप मीम्स सही थे। अगर थोड़ा आप लाइक लेंथ बढ़ाओगे वीडियो का तो मतलब चुमेश्वरी हो जाएगा सच में। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।